गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा 11th क्लास का चैप्टर 22 फिफ्थ यूनिट का लास्ट चैप्टर कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने जो है चैप्टर किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उस चैप्टर में हमने नर्वस सिस्टम का कंट्रोल चेक किया था कि कैसे हमारी बॉडी के नर्व्स हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो आज के चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि जो केमिकल नेचर है हमारी बॉडी का, जो एक पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन में मिलता है, तो वो कैसे हमारी बॉडी का इंटीग्रेट करे। तो ये जस्ट एक फॉर्मुलाइज डायग्राम है जो एक ह्यूमन बॉडी को यहाँ पे डिनोट करके जा रहा है। तो ये ह्यूमन बॉडी को डिनोट कर रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी जो हमारा केमिकल नेचर है उसको यहाँ पे ये डिनोट करेगा अकॉर्डिंग टू एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, कौन कौन सी ग्लैंड से क्या क्या सेक्रेशन होता है, कैसे वो वर्क करती है, किस टारगेट ऑर्गन पे वर्क करती है और कहाँ से वो स्टिमुलेट होती है और कैसे वो इनहिबिट करेगी। तो इस लेक्चर में हमने यही पढ़ना है कि जो ह्यूमन की एंडोक्राइन ग्लैंड है, सबसे पहले तो हमें क्या डील करना है, व्हाट इज ग्लैंड। तो ग्लैंड को जब भी कोई टिश्यू, किसी भी टिश्यू का जो सेल है इज मॉडिफाइड एंड फॉर्म अ सेट लाइक स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड फॉर्म करेगा एक सेट लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसे ही हमारा जो है पर्टिकुलर एक टिश्यू का कोई भी सेल है यदि वो मॉडिफाइड हो जाए और वो वहां पे वर्क करेगा एक सेट का, तो जैसे ही वो सेट बनेगा तो उस फॉर्म में हम उसको नाम देंगे ग्लैंड। बट ये ग्लैंड के वर्किंग के ऊपर है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ग्लैंड को हमने आगे क्लासीफाई किया है, तो ग्लैंड्स की जो हमारे टाइप्स हैं वो टू टाइप्स काउंट होती हैं। फर्स्ट में हम काम करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, सेकंड हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड, थर्ड पर हम बात करेंगे इंडीरोक्राइन ग्लैंड। तो ये तीनों ही हमारे जो है ग्लैंड है जो किसी भी पर्टिकुलर बॉडी के सेल का मॉडिफिकेशन होके एक सेट लाइक स्ट्रक्चर से कोई भी एक फ्लूइड जो केमिकल की फॉर्म में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं ग्लैंड। और ग्लैंड के अंदर जो केमिकल मिलेगा उसको हम क्या नाम देंगे हार्मोन। तो हम बोलेंगे फॉर्म अ सेट एंड रिलीज ए केमिकल एंड दिस केमिकल इज नोन एज हार्मोन। इसको क्या नाम देंगे हम कि जितनी भी ग्लैंड होगी जो मॉडिफाई होती है जैसे सेल से बनेगी तो वो क्या होगी केमिकल सेक्रेटिंग जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। अब वही सैक लाइक स्ट्रक्चर जो ग्लैंड की फॉर्म में यदि वो अपनी किसी भी ग्लैंड से सपोज कीजिए इतना सेल डायग्राम में हमने चेक किया है कि हमने एक एड्रिनल ग्लैंड बनाई है किडनी के ऊपर, तो किडनी की जो ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड है, यदि हम एक सिंगल ग्लैंड का हम नाम दें यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड क्या करेगी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, यानी ग्लैंड तो यहाँ पे है बट ये यहाँ से अपना जो है वर्क पर्टिकुलर ऑर्गन के अकॉर्डिंग नहीं करे, कहीं अंदर जाके करे। तो यदि वो अपनी साइड से अवे यानी अपनी लोकेशन से अवे कहीं पे काम करती है अवे फ्रॉम देयर लोकेशन, तो ये जो केमिकल है यदि वो डिफरेंट वर्क करेगा ऑर्गन के अकॉर्डिंग तो क्या काम होगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे ही हमारी अदर ग्लैंड रहेगी जिनको हम नेचर देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। तो कुछ ऐसे ग्लैंड रहेंगे जो उसी के अंदर यानी कहीं पे भी उनका जो केमिकल है पास नहीं होगा वो ऑन द वे ऑन साइड उन्हीं साइड पे क्या करेगी वो पर्टिकुलर वहां पे जो है रिएक्ट करेगी। तो जैसे ही होगा उसी साइड के ऊपर वो अपना जो है वर्क करेगी, यानी सेम जो है उनका जो ऑर्गन होगा सेम टारगेट ऑर्गन रहेगा यहाँ पे ऑन दैट ऑर्गन ही वो क्या करेगी वर्क करेगी, तो उनको हम क्या नाम देंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्रोक्राइन ग्लैंड क्या रहेगी जो अपने केमिकल का सेम टारगेट ऑर्गन भी वही रहेगा एंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी वही रहेगा, यदि वही ऑर्गन वहीं पे प्रोड्यूस करे और वहीं पे वो अपना जो है वर्क करे तो उसमें हम काम करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, बट यदि वो अपना केमिकल कहीं और सीक्रेट कर दे तो वो बच जाते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। पिट्रोक्राइन ग्लैंड दोनों टाइप का जो है यहाँ पे मोड रखता है, बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड आर मेड सेम पिट्रोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड आल्सो एंड एंडोक्राइन आल्सो बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड आर मेड सेम एंड फॉर्म अ पिट्रोक्राइन ग्लैंड। तो आज इस चैप्टर में हमने यही पढ़ना है कि ह्यूमन का जो एंडोक्राइनोलॉजी है वो कौन कौन से ग्लैंड को लेके चलता है, कौन सी ग्लैंड किस टाइप का केमिकल सेक्रेट करती है और कैसे वो वर्क करेगा कहाँ से वो स्टिमुलेट होगा, ये सारा हमने पढ़ना है। तो अभी हम यहीं पे कह रहे हैं कि
कि हार्मोन जो है वो पर्टिकुलर केमिकल है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, मींस हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट, जो केमिकल सेक्रेटिंग सब्सटेंस है जो पर्टिकुलर एक ग्लैंड या सेक्स से रिलीज होता है, किसी भी ऑर्गन पे, टारगेट ऑर्गन चाहे वो आपका डिफरेंट हो या सेम ऑर्गन हो, तो वहां जाके वो वर्क करता है, फंक्शन करता है और उस ऑर्गन के एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है। तो उस पॉइंट पे हम इसको बोलते हैं पर्टिकुलर दिस इज हार्मोन। तो हार्मोन जिस साइड के अंदर मिला उसी का नाम देंगे ग्लैंड। अभी हम बात करते हैं कि ह्यूमन के एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ह्यूमन का जो एंडोक्राइन ग्लैंड है या हार्मोन जो प्रोड्यूसिंग जैसे हमने सबसे पहले बात की ब्रेन, तो ब्रेन में हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जो ग्लैंड है, पहली ग्लैंड जिसको हम नाम देंगे पीनियल ग्लैंड। तो हमारे ब्रेन के अंदर जो है डिफरेंट टाइप की ग्लैंड है, तो पहली जो हमारी ग्लैंड रहेगी पीनियल ग्लैंड, और इधर ही रहेगी इसी के नीचे रहेगी हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, एंड थर्ड वन रहेगी यहाँ पे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये हमारी थर्ड ग्लैंड है पिट्यूटरी, यानी कुल मिला के कहीं तो तीन ग्लैंड हमारी कहाँ मिलती है ब्रेन के लिए, यानी तीनों ही ग्लैंड यहाँ पे मेन वर्क करेंगी। हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारी बॉडी का सुपर मास्टर ग्लैंड है जो आगे ब्रेन के अकॉर्डिंग सिग्नल देगा पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी जो है मास्टर ग्लैंड है जो वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू सुपर मास्टर हाइपोथैलेमस ग्लैंड, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये मास्टर ग्लैंड है, ये क्या करेगी सभी जो बॉडी की जितनी भी ग्लैंड है सभी को क्या करेगी यहाँ पे रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग रिलीजिंग फैक्टर या स्टिम्युलेटिंग फैक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। उसके बाद थर्ड हमारा यहाँ पे ग्लैंड रहेगा जो हमारा थायराइड के अंदर है, थायराइड ग्लैंड। तो पिनियल को हम रिड्यूस मान के इसको थर्ड नंबर पे दे सकते हैं, पिनियल को इंक्लूड करके फोर्थ नंबर, और ये रहेगा हमारा यहाँ पे फिफ्थ ग्लैंड, दिस इज थायमस ग्लैंड जो हमारे चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है। उसके बाद हमारे किडनी के ऊपर जो हमारे ग्लैंड नंबर सिक्स है, सेवन हमारे यहाँ पे पैनक्रियाज है अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड एट हमारी टेस्टिस हैं, एंड नाइन हमारी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज। तो देखिए हमारी ह्यूमन की क्या एंडोक्राइनोलॉजी है, कितने डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी में जो ग्लैंड है, नंबर जो है हमारे नाइन है जिनमें से एट जो है पर्टिकुलर फंक्शन करती है, वन जो है हमारी रिड्यूस मानी जाती है पीनियल ग्लैंड ड्यू टू सेक्रेटिंग ऑफ सिंपल वन सिक हार्मोन। तो यहाँ पे हम देखिए ग्लैंड की बात करेंगे कि जितनी भी हमारी ग्लैंड है तो वहाँ पे अलग अलग ऑर्गन के वर्क के अकॉर्डिंग काम करें, जैसे हमने बोला फर्स्ट थ्री ग्लैंड, तो फर्स्ट थ्री ग्लैंड हमारी पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड एंड पिट्यूटरी, ये तीनों की तीनों हमारे कहाँ से रिलीज होकर आती है ब्रेन से। तो हमने यहाँ पे देखा है कि ह्यूमन की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो है डिफरेंट ग्लैंड को वर्क करके यहाँ पे सिक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो पहले ही हमारा ब्रेन है जो थ्री डिफरेंट टाइप के हार्मोन को सिक्रीट करेगा फ्रॉम थ्री ग्लैंड। तो पहला रहेगा हाइपोथैलेमस ग्लैंड, सेकंड रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, थर्ड वन रहेगा हमारा पीनियल ग्लैंड व्हिच इज रिड्यूस इन नेचर। उसके बाद हम बात करेंगे ह्यूमन का जो थ्रोट पार्ट है यानी थायराइड जो है हमारा वहाँ पे मिलेगा ग्लैंड, और जो चेस्ट रीजन है वहाँ पे थैलेमस ग्लैंड, और जो हमारा एब्डोमिनल रीजन है जहाँ पे किडनी वाले एड्रेनल ग्लैंड और पैनक्रियाज वाले ग्लैंड, यानी डिफरेंट ऑर्गन के अकॉर्डिंग डिफरेंट ग्लैंड यहाँ पे लोकेट है। एंड लोअर एब्डोमिनल पार्ट में अकॉर्डिंग टू ह्यूमन मेल एंड ह्यूमन फीमेल बोथ आर द सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस एंड ओवरी आल्सो सीक्रेट देयर केमिकल नेचर इन फॉर्म ऑफ हार्मोन, सो दीज आर आल्सो वर्किंग एज अ ग्लैंड। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे वन बाय वन एक एक ग्लैंड की, लेके जैसे सबसे पहला हमारा ग्लैंड है यहाँ पे हाइपोथैलेमस ग्लैंड। अभी हमने देखा ही है कि हमारी जो ब्रेन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बॉडी का ऑर्गन है, यदि वहां पे हम हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो पर्टिकुलर सभी ग्लैंड के लिए क्या काम करेगी, मास्टर ग्लैंड की जी, मास्टर ग्लैंड, यानी हाइपोथैलेमस क्या है हमारी बॉडी की सुपर मास्टर ग्लैंड। तो ये हमारी बॉडी की सुपर मास्टर ग्लैंड है विच सीक्रेट ऑल रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स। तो ये हमारी हाइपोथैलेमस ऐसी ग्लैंड है जो हमारी बॉडी की मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ऑर्गन को केमिकल सीक्रेट करने के लिए रिएक्शन का वर्क करेगी। तो ये उसको क्या करेगा रिलीजिंग फैक्टर इनहिबिटर रिलीजिंग फैक्टर क्या करेगा सीक्रेट करेगा, यानी क्या देगा यहाँ पे केवल फैक्टर देगा। जैसे सपोज कीजिए हम बात करें यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा जो है यहाँ पे ब्रेन का लोअर जो स्टेम है उसके अंदर लोकेट है हाइपोथैलेमस के नीचे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जनरल देखे तो डायग्राम इसके जो सैटेलाइट स्ट्रक्चर है वो तीन डिफरेंट सैटेलाइट स्ट्रक्चर बनता है। पहला जो है ये पर्टिकुलर हम बात करें तीनों लोब इसकी बात करें, पहला जो हमारा एंटीरियर लोब,
सेकेंड हमारा जो है पोस्टीरियर लोब एंड थर्ड वाला हमारा मिडल वाला इंटरमीडिएट लोब। तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन लोब है, तीनों लोब से अलग अलग हमारी जो है ग्लैंड के अकॉर्डिंग वर्क होती है हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें से हमने पार्ट की बात की तो ये कितने पार्ट है इसके, थ्री पार्ट है। तो जैसे हमने थ्री पार्ट की बात की तो आगे वाला फर्स्ट पार्ट एंटीरियर पार्ट है, सेकेंड वाला पोस्टीरियर पार्ट है एंड थर्ड वाला हमारा क्या इंटरमीडिएट पार्ट है। तो ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन पार्ट है जो हमारी बॉडी के सभी जो है हार्मोन अकॉर्डिंग टू ऑर्गन जो है रिलीज करेगा और इनहिबिट करने का क्या देगा, सिग्नल पास करेगा यानी स्टिमुलस पास करेगा। बट ये फैक्टर कहां से रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। तो कैसे वर्क करेंगे, ये दोनों ग्लैंड है, दोनों ग्लैंड का इंटरलेट पार्ट होता है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड एक साथ जो है हमारा केमिकल नेचर सीक्रेट करने में हेल्प करती है। तो देखिए यहाँ पे एक टेबल चार्ट हम बना रहे हैं, टेबल के थ्रू हम देखेंगे कि हमारे जो पिट्यूटरी है कैसे यहाँ पे लिखे जाएंगे और दोनों का टारगेट ऑर्गन क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं ग्लैंड नंबर वन की बात करूं हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस के बारे में यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो उसी में से हमारा काम हो जाएगा। ये केवल फैक्टर रिलीज करेगी तो पिट्यूटरी उसको आगे क्या करेगी, स्टिमुलेट या इनहिबिट का सिग्नल पास करेगी और जाएगा कहाँ, हमारा टारगेट ऑर्गन पे। ठीक है, तो ये हमारी जो टेबल है यहाँ पे आज कंप्लीट होगी। तो इन्हीं में हमने लेके चलना है, इन्हीं में बात करें हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करेगी फैक्टर, तो जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड की हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये सारे के सारे हमारे जितने भी फैक्टर आएंगे रिलीज होंगे सारे फैक्टर की फॉर्म में क्या करेंगे, फैक्टर रिलीज होंगे हाइपोथैलेमस से, सभी फैक्टर की फॉर्म में होंगे। अब ये फैक्टर हमारा जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करेगी या इनहिबिट करेगी, ये पॉइंट रहेगा हमारा पिट्यूटरी के ऊपर। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करेगी पिट्यूटरी तो ये जाएगा हमारा पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन के पास कि बॉडी के ऑर्गन ने क्या करना है, किसी भी बॉडी के ऑर्गन ने उसको क्या करना है, एक्टिवेट फंक्शन परफॉर्म करना है। ऐसे ही यदि बॉडी के ऑर्गन की यदि नीड नहीं है कि उनको फंक्शन करना है तो वहां पे जाएगा हमारा फैक्टर इनहिबिटरी फैक्टर बॉडी को हाइपोथैलेमस रिलीज होगा और जाएगा कहां पे, ये पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी सिग्नल देगी टारगेट ऑर्गन को कि आप जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन यहाँ पे अपना जो ग्रोथ है उसको क्या कीजिए, स्टिमुलेट कीजिए। ऐसे सभी में चलेगा। यदि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन की फैक्टर की बात करें तो रिलीज होगा हाइपोथैलेमस से, जाएगा पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी उसको क्या करेगी वहां पे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को यदि वो रिलीज करती है तो ये काम को देगी स्टिमुलेटिंग और यदि स्टॉप करती है तो ये काम को देगी हमारे यहाँ पे इनहिबिटिंग। तो ये हमारे जो जनरल यहाँ पे रहने वाली है तो ये दोनों वर्क करेगी हमारे पिट्यूटरी इनहिबिट का भी और स्टिमुलेट का, बट फैक्टर रिलीज हो गया हाइपोथैलेमस और देगी किसको टारगेट ऑर्गन। सपोज कीजिए यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक का यदि वर्क करना है तो टारगेट ऑर्गन क्या रहेगा हमारा, ओवरीज एंड मे बी टेस्टिस। तो दोनों ऑर्गन ने यदि यहाँ पे ग्लैंड के अकॉर्डिंग वर्क करके अपने जो केमिकल स्प्रेड करके बॉडी के जो ऑर्गन को यहाँ पे मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट परफॉर्म करना चाहिए क्या देगी, स्टिमुलेटिंग फैक्टर देगी पिट्यूटरी अकॉर्डिंग टू हाइपोथैलेमस। बट यदि यहाँ पे वर्क कंप्लीट हो चुका है तो अब जो है हमारे पिट्यूटरी सिग्नल देगी इनहिबिटरी हार्मोन रेगुलेट होंगे ओवरी और टेस्टिस के अंदर, पीछे से क्या हो जाएगा हमारा दोनों ओवरी और टेस्टिस हाइपोथैलेमस के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे आप इस टेबल में चेक करोगे ओवरीज वर्क करेगी टेस्टिस वर्क करेगी तो स्टिमुलेटिंग फैक्टर आएगा पिट्यूटरी अकॉर्डिंग टू हाइपोथैलेमस। ऐसे ही जब वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरी और टेस्टिस क्या करेंगे वर्क बंद कर देंगे अकॉर्डिंग टू इनहिबिटरी फैक्टर गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट बाय पिट्यूटरी अकॉर्डिंग टू हाइपोथैलेमस। ये जस्ट आपका ओवरव्यू है, इसमें से आप सभी ग्लैंड के बारे में यहाँ पे कर दोगे। ऐसे प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्टिमुलेटिंग जो फैक्टर है प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो सिक्रेटिंग नेचर है PRL प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन यदि स्टिमुलेट के लिए आता है तो ये हमारा टारगेट ऑर्गन रहेगा ब्रेस्ट यानी मेमरी ग्लैंड की फॉर्म में वर्क करेगी। तो मेमरी जो हमारा ऑर्गन है यानी जो निपल्स है मोमेंट के उस पर वर्क करेगी, यदि इनहिबिट करते हैं तो वो वर्क करना वहां पे बंद कर देगी। तो ऐसे ऐसे ये सारा जो है वर्क रहेगा अंडर कंट्रोल पिट्यूटरी बाय द हाइपोथैलेमस। उसी के बाद हमारा गोनेडोट्रोपिक के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन हमने बात की है कि डिफरेंट टाइप के ग्रोथ सिग्नल आते हैं तो ये हमारे ग्रोथ सिग्नल भी पिट्यूटरी के अकॉर्डिंग आएंगे हाइपोथैलेमस से फैक्टर के फॉर्म में और ये यहाँ पे कहेंगे ग्रोथ को यहाँ पे यदि स्टॉप करना है या स्टिमुलेट करना है तो दोनों फैक्टर यहाँ पे हाइपोथैलेमस से आकर ये रिलीज यहाँ पे करेगी कि कैसे उसने वर्क करना है। ऐसे ही रहेगा यहाँ पे भी इनहिबिटरी फैक्टर टारगेट ऑर्गन के अकॉर्डिंग जाएगा कहाँ ग्रोथ कहाँ से होगी हमारी थायराइड ग्लैंड से।
आगे ग्रोथ के लिए वर्क करेगी, स्टिमुलेट करेगी तो, नहीं करेगी तो ये वर्क नहीं करेगी, स्टॉप कर देगी अपना वर्क अकॉर्डिंग टू प्यूटरी हार्मोन सिग्नल पाया। तो इस टेबल में आपको जो कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा है तो इसमें से आपने क्या करना है, अपने बुक के अकॉर्डिंग आपने जितने भी मेंशन पार्ट है, जैसे सबसे पहले हम बात करें हाइपोथैलेमस की, तो ये हमारी जो बॉडी के ब्रेन का जो लोअर पार्ट है, डाइसेफ्रॉन मिड ब्रेन का अपर पार्ट है, वहीं से कुछ जो है हार्मोन को सिक्रीट करता है, उसमें सेवरल जो हमारे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रेन, हमने ब्रेन के डायग्राम में भी बोला था। और यहाँ से हमारे सारे जो हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिक रिलीज़ हार्मोन, इवन सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, ये सारे के सारे सिक्रेट होंगे हमारे पिट्यूटरी से अकॉर्डिंग टू हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही हाइपोथैलेमस यहाँ पे वर्क करेगा तो सारा का सारा हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अकॉर्डिंग टू हाइपोथैलेमस वहाँ पे हुआ था, अब हमारा जो है न्यूरल कंट्रोल के बाद पिट्यूटरी अब हमारा वर्क करेगी अकॉर्डिंग टू एंडोक्राइन सिस्टम या इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ केमिकल। नेक्स्ट ग्लैंड की जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये कुछ जो वर्क है सारे रिकॉग्नाइजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, या फिर हम कहें यहाँ पे एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH या टेस्टोस्टेरोन वाला जो फैक्टर है, तो ये सारे के सारे जो हमारे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन में ही काउंट होती है टेस्टोस्टेरोन, तो ये सारे रिलीजिंग फैक्टर इनहिबिटरी फैक्टर कहाँ से आएंगे, हमारा टेस्टोस्टेरोन या LHGNRH या ग्रोथ फैक्टर या ACTH सारे फैक्टर आ रहे हैं हाइपोथैलेमस से, बट रिलीज कौन कर रहा है, स्टिमुलेट कौन कर रहा है वहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी के बाद हम यहाँ पे यदि पार्ट की बात करें तो पार्ट में हमने देखना है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है यदि उसकी बात करें तो ये जो छह हमारे कुल मिला के छह जो हमारे केमिकल स्क्रीन होंगे हमारे पिट्यूटरी के फर्स्ट पार्ट से, तो यदि हम पिट्यूटरी को ही अकेला लेके चले तो पिट्यूटरी का एंटीरियर जो लोब है, एंटीरियर लोब हमने बोला ही था फर्स्ट पार्ट है हमारा पिट्यूटरी का एंटीरियर लोब, तो ये क्या रहेंगे इसके हॉर्मोन, ये हमारी टेबल है जिसमें हम बात करेंगे, तो ये एंटीरियर लोब है हमारा पिट्यूटरी का। सेकंड हम बात करें यहाँ पे सेंट्रल लोब है हमारे कितने ग्लैंड्स हैं, आप काउंट करो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अकॉर्डिंग टू किडनी स्टिमुलेट करेगी या इनहिबिट करेगी, तो टारगेट प्रोटीन रहेगा हमारे यहाँ पे किडनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एंड इनहिबिटिंग फैक्टर, तो दोनों ही वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू किडनी। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये हमारे सिक्स ग्लैंड के अकॉर्डिंग वर्क होता है, तो एंटीरियर लोब से कुल मिला के हमारी सिक्स हार्मोन रिलीज होती है। उसके बाद बात करें सेकेंड लोब की, तो सेकेंड लोब को हमने बोला था यहाँ पे इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब या मिडल लोब है उसमें से केवल एक ही हार्मोन यहाँ पे रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से, उसका नाम है MSH, यानी कुल मिला के कहें तो इसका फुल फॉर्म है मेलेनोसाइट की स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यदि आपकी बॉडी के अंदर मेलेनोसाइट की नीड है यानी बॉडी का कॉम्प्लेक्स चेक करना है तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगी, और यदि कॉम्प्लेक्स डार्क है तो उस टाइम इनहिबिटिंग हार्मोन वहां पे रिलीज करेगी, तो मेलेनोसाइट का जो है MSH स्टिमुलेटिंग भी हो सकता है और इनहिबिटिंग, यानी MSH स्टिमुलेटिंग भी आ सकती है, MSH इनहिबिटिंग भी आ सकती है, तो दोनों ही यहाँ पे हार्मोन MSH की रहेगी, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो मेलेनोसाइट के जो हार्मोन है वहां पे वर्क करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टिमुलेटरी एंड इनहिबिटरी, तो ये हमारा हार्मोन रहेगी मेलेनोसाइट के अकॉर्डिंग, पहली कौन सी रहेगी जिसमें आप बात करेंगे स्टिमुलेटिंग, और दूसरी कौन सी रहेगी इनहिबिटरी, और जाएगा हमारा कौन सा टारगेट न्यूरल स्किन। उसके बाद थर्ड हमारा लोब रहेगा यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो रहेगा हमारा पोस्टीरियर लोब, तो पोस्टीरियर लोब में आप देखोगे कि हमारी यहाँ पे जो है डिफरेंट जो है ग्लैंड यहाँ पे रिलीज होती है, जिसमें से हम नाम देंगे पहला जो हार्मोन होगा, दूसरा जो हार्मोन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे पहला रहेगा हमारा वैसोप्रेसिन जो हमारे किडनी के रेगुलेटिंग सिस्टम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन में वर्क करता है, और दूसरा रहेगा हमारा ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन एक प्रेगनेंसी हार्मोन है जो वर्क करेगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिलीवरी, तो एक ऑक्सीटोसिन क्या करेगी यहाँ पे रिलैक्सेशन में वर्क करेगी और कॉन्ट्रेक्शन में भी वर्क करेगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव पार्ट, और वैसोप्रेसिन क्या करेगी एंटी डायबिटिक हार्मोन है, ये यूरिन रेगुलेशन में क्या करेगी वर्क करेगी, यानी वेसल पे क्या करेगी वर्क करेगी डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन पास करेगी। तो ये हमारे कुल मिला के देखे थे पिट्यूटरी ग्लैंड है सेकंड वाली, हाइपोथैलेमस के सारे फैक्टर वही से रिलीज हो गया है, तो हाइपोथैलेमस क्या मानी चाहिए इसकी सुपर मास्टर ग्लैंड।
तो हाइपोथैलेमस ये सारे के सारे फैक्टर रिलीज कर रही है, फैक्टर ओनली हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी और किसको देगी, पिट्यूटरी को देगी। और पिट्यूटरी के डिफरेंट टाइप के हमारे लोब हैं जो यहाँ पे स्टिमुलेट होके आ रहे हैं पिट्यूटरी से। तो पिट्यूटरी के अकॉर्डिंग अंडर कंट्रोल रहेगा हमारा सारा का सारा कंट्रोल सिस्टम ऑफ कैमिकल। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के तीनों लोब में आप देख रहे हो कि छह जो हार्मोन फर्स्ट एंटीरियर लोब से स्प्लिट है, वन हार्मोन आपकी इंटरमीडिएट मिडल लोब से स्प्लिट है और पोस्टीरियर लोब से भी दो। अब इनको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, यहाँ पे न्यूरोहाइपोफेजियल ग्लैंड इसको बोलते हैं। तो इसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे अलग अलग नाम से इसके पार्ट रहेंगे। पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब के भी अलग भी कोई नाम होते हैं, उनको भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हैं। न्यूरोहाइपोफेजियस होता है, बीच में जो हाइपोफेजियल ग्लैंड होता है, लास्ट में हम यहाँ पे मिलेनोसाइट के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंट नाम से भी यहाँ पे काम करते हैं। तो ये हमारे जो है टू पोर्शन के अकॉर्डिंग हमने बात की है। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया तीन पोर्शन में, तो ये तीन पोर्शन हमारे केमिकल स्प्लिट हो रहा है, मिडल में एक के अकॉर्डिंग हो रहा है और जो लास्ट वाला था ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन हमारा दो के अकॉर्डिंग। तो इस सब में हमने क्या चेक किया कि जितने भी हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होके आ रहे सभी का वर्क अपना अपना टारगेट ऑर्गन के अकॉर्डिंग लेके जा रहे हैं। छह हमारे जो हार्मोन है जो पहले निकल के जा रहे हैं, जैसे सबसे पहले बात करें ग्रोथ हार्मोन की, जीएफ, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करे कि बॉडी के, यदि हमने बोला कि यदि ग्रोथ हार्मोन रिलीज होती है, यदि यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन थायराइड से रिलीज होती है, तो ये हमारा जो नेचर चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन से हमारी बॉडी की जितनी भी हमने बोला थायराइड से रिलीज होगी। तो हम वन बाई वन एक एक की बात करते हैं टेबल के बाद। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन में हमने लेके चलना है कि हमारी बॉडी की जो सबसे मेन सबसे पहला रहेगा हमारी ग्रोथ हार्मोन। तो हमने बोला पिट्यूटरी के फर्स्ट लोब से हमारी सबसे पहले जो ग्लैंड है वो कौन सी है, अकॉर्डिंग टू ग्लैंड केमिकल कौन सा स्प्लिट और हार्मोन की फॉर्म में ग्रोथ हार्मोन। देखिए ग्रोथ हार्मोन और तब भी ये क्या करेगी डिजीज का रोल प्ले करेगी, जैसे कैंडिडा ओवर पे
एनएस पे हमारा रह जाएगा यहाँ पे स्टंटिंग ग्रोथ, तुम्हारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो क्या आ जाएगी यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, तो हमारी बॉडी की जो लिम्फ की जो ग्रोथ है वो क्या आ जाएगी, छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, इसको हम नाम देते हैं स्टंटिंग या ड्वार्फ फिजी। तो ये दो टाइप की डिजीज हमने एक हार्मोन की एक ग्लैंड के अकॉर्डिंग बात की है। उसके बाद यदि हम बात करें अदर ग्लैंड की, यदि हम बात करें नेक्स्ट वन ग्लैंड की कि ग्रोथ हार्मोन के बाद जो हमारे पिट्यूटरी से सिग्नल लेके आ रहे अलग अलग हार्मोन है वो कैसे कैसे बॉडी का बैलेंस लेके जा रहे, जैसे अभी हमने बात की ग्रोथ हार्मोन के अकॉर्डिंग टू थायराइड ग्लैंड, तो यानी थायराइड पर किसी ने काम कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड हार्मोन थायमस ग्लैंड। हमारी जो थायमस ग्लैंड है वो हमारे चेस्ट रीजन में हमारा जो है बटरफ्लाई शेप में ये जो है लोकेट है, और इसी के ऊपर हम बोलेंगे ये जो थायमस ग्लैंड है ये पर्टिकुलर टी शेप चेस्ट रीजन के अंदर है, बटरफ्लाई शेप है। और जैसे ये बटरफ्लाई शेप हमारी थायमस ग्लैंड यहाँ पे आती है तो उस टाइम पे हम यहाँ पे नाम देंगे कि ये हमारी जो है सबसे ज्यादा जो हार्मोन स्क्रीट करेगी, इससे स्क्रीट होगी हमारी हार्मोन थायमोसिन। तो थायमोसिन एक ऐसी पर्टिकुलर हार्मोन है जो हमारी थायमस ग्लैंड से अकॉर्डिंग टू पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी सिक्रीट होगी। जैसे ही हार्मोन सिक्रीट होगी तो थायमोसिन क्या करेगी, हमारी बॉडी के जो सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को क्या करती है, ये एक्टिवेट करती है, हार्मोन भी माना जाता है इसको। और ये क्या करेगी यहाँ पे इस इम्यूनिटी को शो करने के लिए सी एम फाइव, तो सी हमारे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम में क्या करेगी बी सेल और टी सेल को क्या करेगी यहाँ पे प्रोड्यूस करने में सेल करते जो हमारी एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो दोनों ही सेल हमारे यहाँ पे जो है फॉर्मेट होते हैं प्रोड्यूस होते हैं, और बी सेल तो यहीं पे जो है हमारा आगे जाकर ब्लड के अकॉर्डिंग मैच्योर, बट टी सेल यहीं पे क्या होता है डेवलप भी होता है और मैच्योर भी यहीं पे होता है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी सेल अकॉर्डिंग टू इम्यून सिस्टम, बट बी सेल आल्सो ओनली प्रोड्यूस। तो बी सेल की क्या होगी यहाँ पे केवल प्रोडक्शन होगा बट मैच्योरेशन कहीं और होगा ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे हमने बात की कि थायमस एक ग्लैंड है हमारी ह्यूमन एंडोक्राइन की, वो भी एक हार्मोन सीक्रेट करती है थायमोसिन जो पर्टिकुलर इम्यून सिस्टम के जो सेल है बी एंटी सेल को एडमिट करती है और हमारी एंटीबॉडी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करती है और हमारे इम्यून सिस्टम में क्या करती है हेल्प करती है। सपोज कीजिए यदि थायमस ग्लैंड यहाँ पे ना हो तो हमारी थायमस ग्लैंड से हमारी थायमोसिन भी है नॉन रिलीज नहीं होगी, तो हमारी बॉडी की सेल इम्यूनिटी इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाएगा, बी और टी सेल भी नहीं बनेंगे तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा बिल्कुल वीक। ये थी हमारी नेक्स्ट ग्लैंड थायमस। उसके बाद यदि हम बात करें एड्रिनल ग्लैंड की, तो एड्रिनल ग्लैंड की हमारी नेक्स्ट ग्लैंड जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और पैनक्रियास ग्लैंड भी हमारे पास है, तो ये हमारी नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारी किडनी के ऊपर क्या है लोकेट, तो किडनी के अपर पार्ट पे जो एक कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसी को हम क्या नाम देते हैं एड्रिनल ग्लैंड। अब ये ग्लैंड जो है पर्टिकुलरली वर्क करेगी इमरजेंसी पर, इसको हम नाम देते हैं इमरजेंसी ग्लैंड, क्योंकि हमारी बॉडी में यदि नहीं होता तो उस टाइम पे कंट्रोल रेगुलेट करने का काम करती है, इसलिए इसका नाम है इमरजेंसी ग्लैंड। तो हमारी जो किडनी है उसकी ग्लैंड के अकॉर्डिंग हमने एक्सपिरेटरी सिस्टम में बात करती, किडनी के दो पार्ट रहेंगे, एक रहेगा हमारा मेडुलरी पार्ट और दूसरा रहेगा हमारा कॉर्टेक्स पार्ट। तो दोनों पार्ट से अलग अलग हार्मोन रिलीज होती हैं, कॉर्टेक्स पार्ट से हमारे तीन हार्मोन अकॉर्डिंग टू किडनी के बात में एड्रिनो कोर्टिकोइड रीजन रहेगा, और उसमें से हमारी क्या रहेगी तीन हार्मोन, जैसे पहले बात करें तो हमारी यहाँ पे एड्रिनो कोर्टिकोइड इसको नाम देंगे, इसमें से कितनी हार्मोन रिलीज होंगी थ्री, तो पहली का नाम दे तो यहाँ पे दूसरी का नाम और तीसरी का नाम, पहली रहेगी हमारी सेक्स कोर्टिकोइड, सेकेंड रहेगी हमारी मिनरलो कोर्टिकोइड एंड थर्ड वन रहेगी हमारी ग्लूको कोर्टिकोइड। तो ये हमारी तीन जो है हार्मोन रिलीज होंगी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन ऑफ कॉर्टेक्स, उन्हीं को हम नाम देंगे यहाँ पे पर्टिकुलर किडनी। उसके बाद मेडुलरी पार्ट से भी हमारे दो हार्मोन सीक्रेट होंगे जिसको हम एड्रिनो कोर्टिकोइड की वजह यहाँ पे नाम ही देंगे सीधा नॉन एड्रिनल लाइन, एंड सेकेंड वन रहेगी हमारी एड्रिनल लाइन। तो ये दो हमारी मेन रहेगी हमारी किडनी की जो हमारा पर्टिकुलर जो वर्क करती है इमरजेंसी के अकॉर्डिंग, बट ये जो एड्रिनो कोर्टिकोइड एंड कॉर्टेक्स रीजन जो किडनी का उसमें से तीन हार्मोन यदि हमारे मिनरल हमारी थायराइड ग्लैंड से रिलीज नहीं हुआ कैल्शियम या आयोडीन, तो उस टाइम पे हमारी किडनी का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो सीक्रेट करेगा एंड रेगुलेट करेगा।
और यदि हमारे सेक्स वाले जो ग्लैंड है टेस्टिस ओवरी फीमेल एंड मेल में यदि उन्होंने अपना केमिकल स्क्रीड नहीं किया, टेस्टोस्टेरोन वगैरह स्क्रीड नहीं किया, तो उस टाइम पे हमारे किडनी का जो कॉर्टेक्स पार्ट है सेक्स कॉर्टिकॉइड को रिलीज करेगा। उसके बाद थर्ड वन है हमारा ग्लूकोज। यदि हमारी बॉडी की पैनक्रियास ग्लैंड इंबैलेंस होगी तो उस टाइम पे हमारे किडनी का कॉर्टेक्स पार्ट उसकी जो ग्लैंड के अकॉर्डिंग वर्क करना स्टार्ट करेगा। इसलिए हम बात करते हैं कि बैलेंसिंग है। और उसके बाद हम बात करेंगे इमरजेंसी ग्लैंड है, तो ये हमारे ऐसे ग्लैंड है जो इमरजेंसी में काम करती है और किसी भी नेचर में ये क्या करती है, फाइट करती है और साथ में क्या करती है, फ्लाइट भी करती है और अपना नेचर वापस हो करती है, अपने आप को रिलीज भी कर देती, फाइट एंड फ्लाइट भी हम इसको यहाँ पे काम करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें एड्रेनल ग्लैंड की, तो इसमें जो हमारा अंदर वाला जो पार्ट है इसमें बात की है कि कॉर्टेक्स से तीन हार्मोन है, अंदर वाले से हमारे दो हैं, तो हमारी बॉडी का जो एंड्रोस्टेरोन का जो नेचर है मिनरलोकोर्टिकॉइड के अकॉर्डिंग वो भी क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं। तो हमारे किडनी की जो पर्टिकुलर जो हार्मोन के अकॉर्डिंग हमने बात की है तीन पार्ट्स, दो पार्ट्स में से कौन कौन से रिलीज हैं, तो यहाँ पे जो हमारा एंडोस्टेरोन है वो मेनली जो हमारे रीनल ट्यूबुल के अंदर हमने रीएब्जॉर्प्शन किया था सोडियम का, पोटेशियम का, साल्ट का, ग्लूकोज का, वो सारा भी यहीं से क्या होता है हमारा रेगुलेट होता है मेडुलरी पार्ट में। उसके बाद बात करें कि हमारा एड्रेनल जो मेडुला था उसमें से हमारा सारा का सारा जो हमारा हार्मोन है एड्रेनलाइन 1 एड्रेनलाइन के फॉर्म में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। और ये दोनों के दोनों हार्मोन हमारे कैसे हैं, कैटकोल अन, और इन्हीं पे हम नाम देते हैं इसका इमरजेंसी ग्लैंड फाइट एंड फ्लाइट। और ये हमारा स्वेटिंग में या हमारे बॉडी के हेयरिंग को ग्रोथ करने के साथ साथ हमारा जो अदर वर्क भी करता है, हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, एक्सरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है, साथ में हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी रेगुलेट करने में काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड की, जिसका नाम रहेगा हमारा यहाँ पे पैंक्रियाज ग्लैंड। और पैंक्रियाज ग्लैंड हमारे मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्या है, ग्लैंड है। तो हमारी ये मेन डाइजेस्टिव सिस्टम की जो ग्लैंड है हमारी पैंक्रियाज, जो आपको यहाँ पे लोकेट हो रही है एब्डोमिनल कैविटी में, तो पैंक्रियाज जो ग्लैंड है वो भी हमारी क्या करते हैं, हार्मोन को स्क्रीट करेगी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ लिंकिंग क्या है, ग्लैंड है। तो पैंक्रियाटिक ग्लैंड हमारा क्या करती है, हार्मोन स्क्रीट करेगी ग्लूकागोन, इंसुलिन रहेगी सोमेटोस्टेटिन का जो वर्क है वो इतना ज्यादा यहाँ पे नहीं है, जो केवल इनका जो रेगुलेटिंग जो है कंट्रोल करती है इंसुलिन का और ग्लूकागोन का। तो ग्लूकागोन जो है हमारी अल्फा सेल से रिलीज होगी, तो हमारे पैंक्रियास के डिफरेंट सेल होंगे, और इंसुलिन हमारी बीटा सेल से स्क्रीट होगी और सोमेटोस्टेटिन हमारी गामा सेल से स्क्रीट होगी। तो पैंक्रियास के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो हमारे जो पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड है उसमें से अल्फा बीटा एंड गामा थ्री डिफरेंट टाइप के सेल है अकॉर्डिंग टू लब्यूल विल्सन, जो हमारे कैप्सूल होंगे पैंक्रियास में वहां से ये स्क्रीट करेगी। उन्हीं में से तीन हार्मोन हमारी जो रिलीज होगी, ग्लूकागोन का जो वर्क रहेगा वो हमारा क्या करती है, ग्लूकागोन। तो ये हमारी जो पहली हार्मोन जो पैंक्रियास से रिलीज होगी ये हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में क्या करती है, चेंज करती है। तो देखिए सेकंड वन रहेगी हमारी इंसुलिन, इन दोनों का अपोजिट नेचर रहेगा। यदि इंसुलिन की बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, ग्लूकोज बनाती है ग्लाइकोजन से, तो ये क्या करेगी, ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज, और ये हमारी क्या करेगी, इसके अपोजिट करेगी ग्लाइकोजन। तो यदि हम बात करें किसी भी एक पर्टिकुलर की, यदि ये दोनों वर्क नहीं करते तो उस टाइम पे हमारी थर्ड हार्मोन जो है यहाँ पे रिलीज करेगी सोमेटोस्टेटिन। तो ये हमारी थर्ड वन जो है वर्क करेगी सोमेटोस्टेटिन। अब हमने बात की कि यदि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल यदि ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी में ग्लूकागोन क्या करती है, वर्क करती है और ग्लाइकोजन को इसको चेंज कर देती है। यदि हमारी बॉडी में इंसुलिन होती है तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करती है। इसको यहाँ पे क्वेश्चन राइज हो जाता है, यदि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन ना हो तो क्या होगा, हमारी बॉडी की जो ग्लाइकोजन लीवर के अंदर जो स्टोर है, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होती है, लीवर में, तो ये क्या करेगी, उसको जो है चेंज नहीं करेगी ग्लूकोज में। और यदि ग्लूकोज में चेंज नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर एक डिजीज हो जाएगी जिसको हम नाम देंगे हाइपर ग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाएगा उससे डिजीज होगी डायबिटीज। तो हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाएगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। यदि हम बात करें इसको रेगुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें इंसुलिन का जो इंजेक्शन जो है पेशेंट को वहां पे ट्रीट करना पड़ेगा। बट सपोज कीजिए हमारी बॉडी के अंदर यदि ग्लूकोज का लेवल ज्यादा है तो उस टाइम पे हमारी ग्लूकागोन क्या करती है, हमारी हेल्प करती है, तो ये ग्लूकोज को किसमें चेंज कर देती है, ग्लाइकोजन में और लिवर में, उसको स्टोर करके हमारी बॉडी का बैलेंस करती है।
इसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट हम हार्मोन की, तो ये हमने बात की है यदि ये वर्क कर दे तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, और यदि ये वर्क करना स्टार्ट कर दे तो यदि हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा ही ग्लूकोज में चेंज होता रहे तो लो डेफिशिएंसी में हम क्या नाम देंगे, हाइपोग्लाइसीमिया। यदि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट कम हो जाए तो उस टाइम पे हम नाम देंगे हाइपोग्लाइसीमिया, लो लेवल ऑफ ग्लूकोज, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इज हाइपरग्लाइसीमिया। तो इसमें दोनों मेन डिजीज होती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए तो डायबिटीज, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो यहाँ पे हो जाएगा डायबिटीज इन सुपीडियस। तो दो डिजीज रहेंगी, इंक्रीज में रहेगा या फिर डायबिटीज, और डिक्रीज में रहेगा इन सुपीडियस। ये दोनों ही हमारी ग्लैंड के अकॉर्डिंग जो है हमारी डिजीज काम करती है, पैनक्रियाटिक ग्लैंड की डिजीज, डायबिटीज एंड डायबिटीज इन सुपीडियस। डायबिटीज मैनिफेस्ट ड्यू टू इंक्रीज ऑफ ग्लूकोज लेवल इन बॉडी, डायबिटीज इन सुपीडियस ड्यू टू लो लेवल ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। लास्ट टू ग्लैंड हमारे अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है, जिनको हम यहाँ पे नाम देंगे टेस्टिस एंड ओवरी। तो देखिए टेस्टिस एंड ओवरी का हमने बात ही की है, ओवरी है अकॉर्डिंग टू फीमेल एंड टेस्टिस अकॉर्डिंग टू मेल। तो दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट की जो ग्लैंड है दोनों का पहला जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा कि उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या करना, मैच्योर करना। दोनों का ही क्या रहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है हमारा ओवरी को मैच्योर करना, इधर किसका वर्क रहेगा, टेस्टिस को मैच्योर करना। टेस्टिस का वर्क रहेगा यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैच्योर करना। नेक्स्ट वर्क रहेगा इनका मेन हार्मोन के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम बोलेंगे कि ये जो हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे बनाएगी ओवरी के साथ, वहाँ पे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनेगा। यहाँ पे ओवरी के अकॉर्डिंग दो हार्मोन प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दोनों ही क्या होंगे, रिलीज होंगी। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी कंट्रोल करेगा एंड एस्ट्रोजन जो है यहाँ पे नॉर्मल जो है बॉडी की जो है ग्रोथ यानी हार्मोन को रिलीज करेगा, नॉर्मल जो है हमारा यूज होगा हमारा ओवुलेशन के अंदर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में हमारा क्या करेगा, ये रोल करेगा। तो नॉर्मल जो ओवुलेशन के अंदर ये रोल प्ले करेगा। इसमें क्या होगा, ह्यूमन का जो टेस्टिस है वो ह्यूमन मेल की जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन उसको रिलीज करेगा, और बॉडी के जो सेक्स ऑर्गन के अकॉर्डिंग या प्राइमरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग भी वर्क करेगा ओवरी के, और ऐसे यहाँ पे टेस्टिस के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। और जो है मेल हार्मोन जो रिलीज करेगा टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, जैसे ही रिलीज होगी तो हमारे जो मेल के हैं या उधर ओरिज के अकॉर्डिंग फीमेल के हैं तो दोनों अपने प्राइमरी सेकेंडरी जो करेक्टर है प्राइमरी करेक्टर भी डेवलप करेंगे और सेकेंडरी करेक्टर भी डेवलप करेंगे। प्राइमरी करेक्टर में टेस्टिस मैच्योर होंगी, मैच्योरेशन ऑफ टेस्टिस, और सेकेंडरी हमारे जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की जो अरेंजमेंट होती है यानी जो करेक्टर होते हैं वो डेवलप होंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेल। ऐसे यहाँ पे चलेगा कि जो प्राइमरी करेक्टर डेवलप होंगे प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के, ऐसे ही यहाँ पे हम बात करें कि प्राइमरी करेक्टर डेवलप होंगे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोजन एंड सेकेंडरी करेक्टर डेवलप होंगे अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोजन, और प्रेगनेंसी कंट्रोल करेगा यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन। तो ये आज का हमारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हमने किया आज के वीडियो में। तो ये हमारी नाइन ग्लैंड को हमने जो है इनके वर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे किया है, तो इन सभी को जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हो तो ये कैसे कैसे हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो एक एक चीज को आप यहाँ पे चेक करोगे कि ग्लैंड का जो वर्क है, कौन सी हार्मोन सीक्रेट होती है, कहाँ से होती है, क्या फंक्शन है, ये आप सभी इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे क्लियर करोगे। तो इन सभी चीजों के साथ यानी सभी ग्लैंड के साथ हमारा जो है ये जो चैप्टर है जिसको हमने नाम दिया है केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, तो हमने देखा हमारी बॉडी की नाइन जो ग्लैंड है कैसे कैसे अपना केमिकल स्प्लिट करती है और कैसे कैसे ये वर्क करती है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर 22 है यूनिट 5 का हमारा कंप्लीट।